जनाब, इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, जिसे पहले हुडा कहा जाता था, वो एक बेहतरीन स्कीम, जैसा कि अभी फिलहाल के लिए गुरुग्राम फरीदाबाद पंचकुला में ये स्कीम पेट्रोल पंप या सीएनजी साइट्स की बात करें, बेहतरीन प्राइम लोकेशन नेशनल हाईवे पे निकाली गई है। किस रेट पे है, किस साइज पे है, क्या आप पेट्रोल पंप के ओनर बनना चाहते हैं, तो किस तरीके का प्रावधान है, आइए एक खास अपडेशन के साथ हम आपको बताने जा रहे हैं। और इस वीडियो के बाद हम आपको इसी क्षेत्र में, हरियाणा के क्षेत्र में जो कि प्लॉट्स निकाले गए हैं एक बेहतरीन जगहों पे, गुड़गांव फरीदाबाद में या अन्य राज्यों में, आपको अपडेट करने जा रहे हैं। कहीं ना जाएं, इस चैनल के साथ बने रहें। जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का मैं जोरदार स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से आगे बढ़ाते हैं। तो जनाब, अगर हम आपको इसमें रिजर्व प्राइस की बात करें, तो इसमें कम से कम आपको प्लॉट जो है 2 करोड़ के आसपास का देखने को मिलता है। किस लोकेशन पे है, क्या है, तो आइए एक बार जान लेते हैं। सबसे पहला जो 5 मात्र लोकेशन दी है, जो कि इस पेट्रोल पंप सीएनजी साइट्स के लिए है, ये सभी लीज होल्ड बेस पे गुरुग्राम फरीदाबाद पंचकुला क्षेत्र में, हरियाणा के क्षेत्र में निकाली गई है। और इसको जो है फाइनली इसकी बिडिंग 27 जनवरी 2023 को होगी। आपको ये बता दें, इन सब में पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो 26 जनवरी 2023 है। आप किसी भी तरीके की आपको दिक्कत है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, समय 9 बजे से 5 बजे, और टोल फ्री नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं किस लोकेशन में कौन सा प्लॉट किस साइज का दिया है। तो सेक्टर 15 P2 गुरुग्राम नेशनल हाईवे पे जो ये प्लॉट है, ये लगभग 50x30 साइज का प्लॉट है। डायमेंशन अगर हम एरिया की बात करें, 1500 स्क्वायर मीटर का ये प्लॉट दिया गया है। इसकी कीमत लगभग 12 करोड़ 40 लाख के आसपास देखने को मिलती है। अगला प्लॉट जो कि आपको सेक्टर 18 गुरुग्राम नेशनल हाईवे पे देखने को मिलता है, इसकी कीमत 9 करोड़ 71 लाख के आसपास देखने को मिलती है। अगला प्लॉट 31 और 32 से गुरुग्राम नेशनल हाईवे पे देखने को मिलता है, ये लगभग 13 करोड़ 41 लाख के आसपास का रेट दिया गया है। अगला फरीदाबाद में सेक्टर 73 जो कि 45 मीटर वाइड रोड पे है, ये प्लॉट आपको 2 करोड़ के आसपास का देखने को मिलता है। अगला पंचकुला सेक्टर 27 P1 में नेशनल हाईवे पे, इसकी आपको कीमत 9 करोड़ 21 लाख के आसपास देखने को मिलती है। तो जनाब, अगर हम देखें गुरुग्राम फरीदाबाद पंचकुला, इसमें सबसे सस्ता जो स्कीम में निकाला गया है पेट्रोल पंप, वो कम से कम फरीदाबाद में है, जो 2 करोड़ 96 लाख का आपको देखने को मिलता है। और उसके बाद आपको जो ये दो गुरुग्राम सीरियल नंबर 2 और सीरियल नंबर 5, आपको ये दोनों ही 9 करोड़ के आसपास के प्लॉट देखने को मिलते हैं। और उसके बाद सीरियल नंबर 1 और आपको ये उसके बाद और सीरियल नंबर 3 जो कि सबसे महंगे स्कीम में रिजर्व प्राइस दिया गया है। अगर हम इसके ऑक्शन के पोर्टल पे जाते हैं, जो कि roauctiontcphariana.gov.in है, तो आपको इस तरीके का पोर्टल पे आपको जाके, आपको उसमें फर्दर डिटेल्स में जाएंगे तो आपको डिटेल वाइज, आपको प्लॉट वाइज जो इसमें स्कीम में दिए गए हैं, आप वो जाके उसका अमाउंट चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके का अगर हम गुरुग्राम में जो इन्होंने डिटेल दी गई है पंप साइट की, तो आप ये देखेंगे इसमें पेमेंट स्टार्ट डेट आपकी 11 जनवरी 2023 है और लास्ट डेट इसकी 26 जनवरी 2023 शाम के 5 बजे रखी गई है। ऑक्शन इसकी 27 तारीख को अगले दिन 10 बजे शुरू होगी और 10:30 बजे खत्म हो जाएगी। अब हमने एग्जांपल के तौर पे उनमें से कोई एक प्लॉट ले लिया रैंडमली, जिसकी ऑक्शन आईडी 1259 है। आपको ये बता दे कि ये EDEO गुरुग्राम में जो स्थित है, इसमें आप देखेंगे कि इसका साइज वही 50x30 का साइज है और इसका रिजर्व प्राइस 12 करोड़ 40 लाख 62 हजार 200 दिखता है। इंक्रीमेंट प्राइस इसमें आपको 1 लाख का देखने को मिलता है और EMD आपको इसकी जो जमा करनी है वो लगभग 5 लाख के आसपास आपको जमा करनी है। और समय तो हमने आपको बता ही दिया, वही 27 तारीख को 10 बजे से 10:30 के बीच
इसकी बोली लगाई जाएगी। तो जनाब ये था एक नया अपडेशन जो हमने आपको पेट्रोल पंप सीएनजी साइट्स का प्राइम लोकेशन पे आपको दे दिया है। जो भी कोई इंसान इसमें अपने हिसाब से अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से अप्लाई करना चाहता है तो जरूर एक बार पहले चीजों को खंगाल ले, पर्सनली विजिट करें और उसके बाद ही लोकेशन देख के स्कीम में फायदा इसका ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये खास वीडियो आप सब तक पहुंच गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, किसी भी तरीके का कमेंट करना ना भूले। जो नए हैं चैनल से बने रहें और रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को अपने चाहने वालों तक जो पहुंचाना चाहता है पहुंचा सकता है। अभी फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। गुड बाय, धन्यवाद।